हाय एवरीवन, दिस इज रॉय फ्रॉम स्टूडियो 9। आज सुबह को मैं रंग दे बसंती मूवी का रूबरू गाना सुन रहा था। ये गाना मेरा बहुत फेवरेट गाना है और मैंने बहुत बार इसको अपने बैंड में प्ले भी किया है। अचानक से मुझे लगा क्यों ना एफएल स्टूडियो में इसको थोड़ा सा रिक्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। आफ्टर 40 मिनट्स आई केम अप विद दिस। जो गुमशुदा सा ख्वाब था वो खिल गया, वो मिल गया। तो इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे ये जो गाना है, गिटार है, ड्रम पार्ट्स हैं, उसको हम रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे ऑल यूजिंग द एफएल स्टूडियो स्टॉक प्लगइन्स, और एक फ्री वीएसटी का भी यूज करूंगा मैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले गाने का जो टेम्पो है वो हम लोग सेट कर लेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेम्पो टैपर ओपन कर लेंगे, ओरिजिनल जो गाना है उसको यूट्यूब में एक बार प्ले कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो टेम्पो है ऑलमोस्ट 121, 122 ऐसा कुछ है। टाइम सिग्नेचर है 4/4, तो वो हम सबसे पहले सेट कर लेंगे। नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द गिटार स्ट्रमिंग। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एम्पल गिटार। एम्पल गिटार का जो स्ट्रमर है उसको हम लोग ऑन कर देंगे यहाँ से, और फिर हम लोग यहाँ पे जो कॉर्ड्स हैं उसके सबसे पहले डिफाइन करेंगे ए मेजर। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है ए मेजर, और उसके बाद है डी मेजर। तो इसका जो कॉर्ड चार्ट है आपको इंटरनेट से इजीली मिल जाएगा, और कैसे प्ले करना है स्ट्रमिंग पैटर्न वो भी आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कॉर्ड चार्ट जो है ये सेट कर दिया है। बाय द वे, अगर आप गिटारिस्ट हैं, अगर आप गिटार बजाना सीख रहे हैं, तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई आउट दिस सॉन्ग। सिर्फ दो ही कॉर्ड लगते हैं पूरे गाने में, शायद तीन या चार कॉर्ड्स लगेंगे, और इसका जो स्ट्रमिंग पैटर्न है दैट इज़ वेरी फास्ट एंड क्वाइट डिफिकल्ट। सो अगर आप इस गाने का स्ट्रमिंग प्रॉपरली कर पाते हैं इसी टेम्पो में, तो आप कोई भी गाने के साथ स्ट्रमिंग कर पाएंगे। जस्ट मेंशन, रंग दे बसंती जो मूवी है दैट इज़ द मोस्ट फेवरेट मूवी फॉर मी ऑफ ऑल टाइम। रहमान सर, इट्स जस्ट टू गुड। मूविंग टू आवर टॉपिक, यहाँ पे मैंने ए और डी मेजर जो है सेट कर दिया है। गाने का जो की है वो है ए। फिर यहाँ पे जो स्ट्रमिंग पैटर्न है उसको हम अपने तरीके से डिज़ाइन करेंगे। अपना खुद का स्ट्रमिंग पैटर्न डिज़ाइन किया है। यहाँ पे जो स्ट्रमिंग पैटर्न है इसको मैंने यूज़ नहीं किया है। अगर आपको एम्पल गिटार के ऊपर और डिटेल्ड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे डिटेल में इसको डिस्कस किया है कि कैसे आपको एम्पल गिटार से प्रोग्रामिंग करना है, गिटार आरपीजीओ हो या स्ट्रमिंग पैटर्न हो। तो ये जो स्ट्रमिंग पैटर्न है इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग किया है जस्ट ऐसे, और यहाँ पे मैंने फिर अपने तरीके से उसका जो स्ट्रमिंग पैटर्न है वो मैंने डिफाइन किया है। ये है डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, दिस आर म्यूट्स, और ये नीचे मैं कॉर्ड पकड़ रहा हूँ। ये मैं पकड़ रहा हूँ इसका है ए कॉर्ड, यहाँ पे सुनाई नहीं देगा क्योंकि ये शेप पकड़ रहा है और स्ट्रमिंग यहाँ से कर रहा है। ओके, तो उसके बाद मैंने ये जो स्ट्रमिंग पैटर्न है इसको मैंने ट्रायल एंड एरर मेथड से नहीं यूज़ किया है। आप अगर इंटरनेट से आपको स्ट्रमिंग पैटर्न मिलता है तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने तो इसका तो स्ट्रमिंग पैटर्न डिजाइन कर लिया था। इसके लिए आप क्या करें कि गाना को जाना जो है ना बहुत ध्यान से सुने, और जो उसका टेम्पो है उससे कम टेम्पो में अगर आप सुन सकते हैं उसको स्लो करके अगर आप सुन सकते, और भी अच्छे से आप उसको पकड़ पाएंगे। यूट्यूब में ऐसा ऑप्शन है कि आप प्लेबैक स्पीड को कम कर। फिर यहाँ पे मैंने वेलोसिटी एडिट किया है, वो भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो अभी क्या हो रहा था कि ये जो नोट है दिस शुड रिंग, ये जो स्ट्रमिंग पैटर्न है ये रिंग होना चाहिए, नहीं तो ये चोक हो जा रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, और एक एम्पल गिटार को मैंने ओपन कर लिया है, और यहाँ पे मैं सिर्फ ये जो स्ट्रम है इसको दे रहा हूँ। अगर आप इसको सुनते हैं तो ऐसा लगेगा कुछ। अगर हम इसको एक साथ सुनते हैं तो ऐसा कुछ लगेगा सुनने में। अभी ये जो पैटर्न है
इसका जो गाने में जो साउंड आता है उसको रिक्रिएट करने के लिए थोड़ा सा इफेक्ट डालना पड़ेगा हम लोग को इसमें। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले किया है ये क्या किया है कि यहाँ पे स्टीरियो जो स्टीरियो का जो ऑप्शन है ये मैंने सेटिंग कर लिया है। फिर जाते हैं मिक्सर में, मिक्सर में आप देखिए एम्पल गिटार ये जो है दोनों एक ही चैनल में जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले मैं EQ यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे सारा लो मैंने हटाया है, थोड़ा सा एयर मैंने ऐड किया है, उसके बाद और एक इक्वलाइज़र। इसको यहाँ पे देखिए इसका जो कुछ फ्रिक्वेंसीज था उसको मैंने वापस से कम किया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सिबिलेंस ऐड किया है। उसके बाद मैंने एक कंप्रेशन यूज़ किया है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही कंप्रेशन हो रहा है यहाँ पे, गेन रिडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, जो पिक्स हैं सिर्फ उसको मुझे कम करना है। फिर मैंने एक कोरस इफेक्ट यूज़ किया है, टोनालिटी है, टेक्स्चर है, वो बाहर आ सके। पहले मैं इसको ऑफ करके सुनते हैं, ऐसा था, इसको अगर मैं ऑन कर देता हूँ उसके बाद मैंने यहाँ पे बस थोड़ा सा रिवर्ब ऐड किया है। यहाँ पे मेरा रिवर्ब बास है, आप देख सकते हैं ये दिस इज द रिवर्ब बास। तो यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा रिवर्ब ऐड किया है। तो सिर्फ ये पैटर्न अगर आप प्रॉपरली रिक्रिएट कर पाते हैं तो ऑलमोस्ट आपका गाना कंप्लीट हो गया। तो आप इसको सिर्फ इसको देके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा एनहेंस करने के लिए मैंने थोड़ा सा एक बेस गिटार इसके साथ ऐड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बूबस मैंने यूज किया है, बूबस का जो प्लगइन का सेटिंग है, ट्रिबल और मिड मैंने ऑलमोस्ट कम कर दिया है, बेस गिटार को थोड़ा बढ़ा दिया है। तो बेस गिटार सुनने में कुछ ऐसा लग रहा है अभी। इसको अगर हम एक साथ सुने प्लेलिस्ट में तो कुछ ऐसा लगेगा। फर्स्ट जो वर्ड्स है उसको आप ऑलमोस्ट इसी से रिक्रिएट कर सकते हैं। वहां पे थोड़ा सा वोकल सैंपल्स यूज होते हैं, उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा और उसको आपको थोड़ा सा प्रोसेस करके यूज करना पड़ेगा। फिर अगर आप जो गुमशुदा जो सेकंड वर्ड्स है उसमें अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे रिदम पैटर्न क्रिएट होता है, एक रिदम पैटर्न चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पे भी मैंने FL Studio का जो स्टॉक प्लगइन्स है उसको गाने को सुनते हुए मैंने उसको उसके साथ थोड़ा सा सुना। दिस इज द पैटर्न विच आई हैव क्रिएटेड। ज़्यादा प्रोसेस मैंने बिल्कुल भी किया नहीं है। यहाँ पे देखिए बीच में एक चुप करके किक आता है तो उसको यूज़ करने के लिए मैंने फ्रूट किक का यूज़ किया है। यहाँ पे फ्रूट किक जो प्लगइन है उसका जो सेटिंग्स है आप यहां पे देख सकते हैं, ऐसा मैंने यूज किया है। स्नेयर को मैंने थोड़ा सा रिवर्ब बस में भेजा है, सुन सकते हैं। नेक्स्ट ये गाने के साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है और जो क्रिएट करना भी बहुत मुश्किल है वो है इसके साथ एक फेजिंग काइंड ऑफ स्नेयर इफेक्ट जाता है। उसको रिक्रिएट करना इज वेरी डिफरेंट और ये जो पैटर्न है दैट एक्चुअली चेंजेस थ्रू आउट दैट सॉन्ग वो आप सुन सकते हैं। जो गुम शुदा वहां से शुरू होता है ये टिक टिक तो उसको रिक्रिएट करना उसी सैंपल को ढूंढ पाना ये बहुत मुश्किल है। तो मैंने उसका थोड़ा सा एक मिनिमलिस्टिक वर्जन मैंने क्रिएट करने की कोशिश किया है। एक एक रिम शॉट का सैंपल है इसको मैंने यूज किया है यहाँ पे। तो ये सैंपल ऐसा कुछ सुनने में जाता था। इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, इसका जो अटैक टाइम है इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसको डिले ऐड किया है, आप देख सकते हैं पिंग पोंग डिले है और टाइम मैंने थोड़ा सा यहाँ पे नंबर ऑफ वीकोस ओनली वन। इसके बाद जो है वो है इसका जो एफएक्स प्रोसेसिंग। तो नंबर फोर में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले सबसे मैंने इसके अंदर मैंने रिवर्ब डाला है। तो ये सुनने में कुछ ऐसा था। पिच मैंने थोड़ा सा ऊपर किया है, यहाँ से पैरामेट्रिक इक्विलाइजेशन से इसका जो लो एंड है मैं पूरा का पूरा हटा रहा हूँ। सो इसके बाद ये सुनने में कुछ ऐसा लग रहा है। ये जो पैटर्न है ये आपको थ्रू आउट इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैनुअल प्रोग्रामिंग जरूरी है जो कि चेंज होता रहेगा। ये मैंने डेमो पर्पस सिर्फ एक ही पैटर्न बनाया है। फिर आता है फेजर, ये मैंने पूरा दिया नहीं है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं कि एक फ्रूटिकल लव फिल्टर करके पैटर्न आता है तो उसको मैंने यहां पर कट ऑफ और रेजोनेंस जो है उसको मैंने यहां पर रिकॉर्ड किया है
और उसको मैं वेरी करा रहा हूँ पैटर्न के बेसिस पे। फेजिंग इफेक्ट मैंने कम दिया है। अभी इसी पैटर्न को मैंने रिप्लेस क्लोन करते हुए दूसरा पैटर्न में ऐसा भी किया है, तो थोड़ा सा हम इसमें वेरिएशन ऐड कर रहे हैं। तो इसको अगर हम सीक्वेंसिंग प्रॉपरली करें तो ये कुछ सुनने में ऐसा लगेगा। यहां पे नेक्स्ट पैटर्न, रूबरू रोशनी वाला जो पार्ट है वहां पे मैंने थोड़ा सा कॉर्ड प्रोग्रेशन ऐड किया है। यहाँ पे स्ट्रिंग पे सिम्सिंथ का जो स्ट्रिंग प्रीसेट है वहां पे मैंने थोड़ा सा ऐड किया है मैंने, और यहाँ पे जो गिटार के जो पैटर्न्स हैं, स्ट्रमिंग पैटर्न्स हैं, उसको मैंने थोड़ा सा वेरी करके उसको यूज किया है अकॉर्डिंग टू द कॉर्ड प्रोग्रेशन। और लास्ट में जो स्नेयर का एक रोल आता है, पार्ट आता है, दैट गोज लाइक दिस। यहाँ पे भी काफ़ी मैंने रिवर्ब डाला है इसमें। तो ऐसे बहुत मिनिमलिस्टिक अप्रोच के साथ मैंने ये ट्रैक बनाने की कोशिश किया। इसके अंदर और भी कई सारे लेयर्स हैं, खास करके हारमोनी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि क्वायर इफेक्ट जो है वो भी काफ़ी यूज़ होता है। जो गुमशुदा जो पार्ट है वहाँ पे हारमोनी है, उसमें वोकोडिंग होता है। वोकोडिंग को लेके मैं दूसरा एक ट्यूटोरियल बना सकता हूँ, अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बीच बीच में यूज़ होता रहता है, और फिर कई सारे इसमें और भी वेरिएशन आप डाल सकते हैं। दिस इज़ काइंड ऑफ अ स्टार्टिंग पॉइंट विच यू कैन क्रिएट वेरी इजीली। तो ये कुछ ऐसा लग रहा था। तो एक्चुअली ये इतना बनाने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं खुद को रिकॉर्ड करने का जो चाह है उसको रोक नहीं पाया, और मैंने खुद को रिकॉर्ड भी कर दिया। और रिकॉर्ड करने के बाद उसको मैंने थोड़ा सा प्रोसेस किया है, आप यहाँ से देख, यहाँ पे देख सकते हैं जो रिकॉर्डिंग है, थोड़ा सा कंप्रेशन डाला है, इक्विलाइजेशन डाला है, और लेवलिंग टूल से थोड़ा सा मैं उसका कैरेक्टर ऐड कर रहा हूँ। एक ही शॉट में इसको रिकॉर्ड किया था, इसको रिहर्स भी नहीं किया, प्रैक्टिस भी नहीं किया, जस्ट हिट ऑफ द मोमेंट में मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। तो आप सुन सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है सुनने में। अभी जो गुमशुदा सा ख्वाब था वो खिल गया, वो मिल गया। तो ये था हम लोगों का एनालिसिस। हाँ, अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल का कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल बटन दबा दें, क्योंकि म्यूज़िक प्रोडक्शन रिलेटेड बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अपलोड होना अभी भी बाकी। अगर आपको मुझसे वन टू वन क्लासेस करना है म्यूज़िक प्रोडक्शन के ऊपर, तो आप डेफिनेटली यू कैन मेल मी एट studio9kolkata@gmail.com, या फिर आप फेसबुक में मुझे मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक का जो पेज है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको मुझसे मिक्सिंग, मस्टरिंग या अरेंजमेंट करवाना है तो डेफिनेटली आप मुझे मेल कर सकते हैं studio9kolkata@gmail.com पे। इस एपिसोड में इतना ही था, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो एआर रहमान सर का जो ये खूबसूरत कंपोजिशन है, इसको सुनते सुनते हम लोग आज टाटा बाय बाय कहेंगे। टेक केयर। जो गुमशुदा सा ख्वाब था वो खिल गया, वो मिल गया, वो लोहा था बिखर गया, खींचा खींचा मचल गया उस तार में बदल गया रूबरू।